भिटशा रिपोर्ट, रजब अली बुज़दार। दरगाह भटाई में महकमे औकाफ के नए तैनात होने वाले मैनेजर का मामला। दरगाह में मातमी जुलूसों में रुकावटें पैदा करना औकाफ के मैनेजर महताब शाह की साजिश है। पीर ऑफ भिटशा सैयद गुलाम रजा शाह लतीफ़ी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना है, डीसी से हुई, तालका लेवल पे हुई, डीआईजी ऑफिस हैदराबाद में लाइव आईजी साहब से हुई और जितनी हमारी जायज बातें थी वो मानी गई। और मैं हैरान हूँ कि औकाफ डिपार्टमेंट ने हमारे साथ मुहर्रम के हवाले से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया, इंतजाम के हवाले से कोई मीटिंग नहीं की और मैनेजर साहब आज तक पूरी सर्विस में किसी भी दरबार पे मैनेजर नहीं रहा है, उसको तजर्बा ही नहीं है मैनेजरी का। जानबूझकर ऐसे बंदे को रखा गया है, इसके पीछे हमें कोई आज़ादारी के खिलाफ साजिश लगती है। हमें लगता है कि ऐसा बंदा जानबूझकर लाया गया है ताकि आज़ादारी के माहौल ख़राब हो। हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए और इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म किया जाए ताकि आगे मामला अच्छी तरह से चल सकें और ज़्यादा ख़राब ना हो। कि हम इसे दरगाह भटाई का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। नया मुकर्रर मैनेजर सैयद महताब शाह दरगाह भटाई पर मातमी जुलूसों और मजलिस उज़ा के मौके पर जनरेटर बंद करके आज़ादारी में रुकावटें पैदा कर रहा है और मज़ार पर चादर चढ़ाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। ये मैनेजर मुतनाज़े बन चुका है। इसको दरगाह पर मुकर्रर करना पुरअमन माहौल को ख़राब करने की साजिश है, जिसका हुकूमत सिंध और वज़ीर औकाफ को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और ऐसे मुतनाज़े शख्स को दरगाह से हटाया जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी धरना देंगे।